नंबर 163। हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया कि कैसे हम ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट के ऊपर से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडजस्टमेंट एंट्रीज को डालते हैं और फाइनली अपना फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। आज के इस वीडियो में हम देख रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ ऐसी एडजस्टमेंट एंट्रीज जो जनरली क्वेश्चंस में होती है। तो पहले हम उन सभी एंट्रीज को वन बाय वन समझते हैं, कैसे उसको क्वेश्चन के तरीके से दिया जाता है, कैसे उसे कैलकुलेट करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडजस्ट करते हैं, फिर हम लेंगे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। पर अभी के लिए हम ले रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन, कुछ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट एंट्रीज। फर्स्ट ट्रांजेक्शन, ए कार मेंशन्ड इन ट्रायल बैलेंस वाज सोल्ड एट बुक वैल्यू ऑन 1st अप्रैल 2019 एंड द कैश वाज यूज्ड फॉर पर्सनल यूज बाय द ओनर। ट्रायल बैलेंस में जो कार दिखाई गई है उसको एक्चुअल में बेच दिया गया है और जो अमाउंट रिसीव हुई है वो ओनर ने अपने पर्सनल यूज के लिए यूज कर ली है। अब इसकी हमें एंट्री डालनी है, एज द अमाउंट वाज यूज्ड बाय द ओनर कंसीडर एज ड्रॉइंग्स एंड डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल। जो भी अमाउंट ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए ले गया है तो उसे हम कंसीडर करेंगे ड्रॉइंग्स, और हम सबको पता है कि ड्रॉइंग को हम कैपिटल में से डिडक्ट करते हैं। उसके साथ इंक्लूडेड इन ट्रायल बैलेंस सो इट ऑन बैलेंस शीट एंड डिडक्ट बुक वैल्यू एज सोल्ड कार। अब ट्रायल बैलेंस में दी गई है कार तो हमें दिखानी तो होगी, तो हम एसेट साइड कार की जो भी अमाउंट होगी वो बताएंगे, उसमें से माइनस करेंगे सोल्ड की अमाउंट, जो माइनस कर देंगे मतलब जो बुक वैल्यू थी उसमें वही वैल्यू हम माइनस करेंगे, तो फाइनल अमाउंट के जो भी हमारा कॉलम है उसमें अमाउंट नहीं ही आएगी, उसकी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगी। पर क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस में दी गई है सो हमें बैलेंस शीट में दिखाना तो होगा, क्योंकि ट्रायल बैलेंस की बैलेंसेस को जब हम चेक करेंगे तो अगर हम इस एंट्री को नहीं डालेंगे तो क्वेश्चन उठेगा कि जो कार ट्रायल बैलेंस में थी वो गई कहाँ। अकाउंट के बाद ऑडिटिंग प्रोसेस भी होती है तो ऑडिटिंग प्रोसेस में भी ये क्वेश्चन अराइज हो सकता है, इसीलिए इस कार को हम बुक वैल्यू से बताएंगे और उसमें से सोल्ड की एंट्री भी बताएंगे। अमाउंट तो कोई कुछ भी प्लस माइनस है ही नहीं, इसीलिए अमाउंट के कॉलम में नील रहेगा पर ये कार की एंट्री आएगी जरूर। और कार की जो अमाउंट हमें रिसीव हुई है जो ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए ले गया है तो उसे हम लायबिलिटी के साइड में से कैपिटल की जो अमाउंट आएगी उसमें से ड्रॉइंग्स की अमाउंट मतलब कार की जो अमाउंट है उसे ड्रॉइंग लिख कर उसको डिडक्ट करेंगे और उसके बाद की जो भी अमाउंट आएगी उसे यहाँ पर लिखेंगे। नेक्स्ट है सेंट्री डेप्टर्स एंड बैड डेप्ट जो हमें ट्रायल बैलेंस में दिया गया है और एडजस्टमेंट में दिया है राइट ऑफ ₹1000 एज फर्दर बैड डेप्ट। जब ट्रायल बैलेंस की बैलेंसेस को हम डालते हैं फाइनल अकाउंट्स में तो उसकी एक ही इफेक्ट आती है, पर एडजस्टमेंट एंट्री की दो इफेक्ट आती है। तो अब ये जो ट्रायल बैलेंस की बैलेंस थी वो तो हमने पीएनएल अकाउंट में डाल दी है बैड डेप्ट के नाम से, अब फर्दर जो हमको ऐड करना है वो हम दो साइड पे ऐड करेंगे, एक तो हम पीएनएल अकाउंट में डेबिट करेंगे और दूसरा जब हम बैलेंस शीट में एसेट साइड में ये जो सन्ड्री डेप्टर्स हमने लिखा है 1 लाख उसमें से अब फर्दर बैड डेप्ट को हम माइनस करके बाकी की अमाउंट फाइनल कॉलम में लिखेंगे। तो इस तरह से पीएनएल अकाउंट में हम लिखेंगे टू बैड डेप्ट 2000 जो हमारा ट्रायल बैलेंस में था वो, और उसके बाद जो हमने फर्दर ऐड किया है वो, दोनों की मिलाकर की अमाउंट जो आती है वो यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद बैलेंस शीट में एसेट साइड जो हम सन्ड्री डेप्टर्स की अमाउंट लिखते हैं वो लिखेंगे, उसमें से फर्दर बैड डेप्ट को माइनस करके बाकी की जो अमाउंट आती है वो लिखेंगे। नेक्स्ट मशीनरी 1,40,000 इन ट्रायल बैलेंस, अब एडजस्टमेंट दिया है डिप्रिशिएशन एट 5% पर एनम, मशीनरी इंक्लूड ए मशीनरी ऑफ ₹20,000 परचेस्ड ऑन 1st October 19। टोटल मशीनरी जो हमारी ट्रायल बैलेंस में है
वो है 1,40,000। उसके ऊपर हमको डिप्रिशिएशन काउंट करना है 5% पर एनम। पर यहाँ पर एक मशीनरी ऐसी है जिसकी कॉस्ट 20,000 है, जिसको हमने 1 अक्टूबर 2019 को परचेज किया है। तो अब हम मशीनरी एंड डिप्रिशिएशन रिगार्डिंग एंट्रीज को कैसे करते हैं वो देखते हैं। पहले तो हम वर्किंग नोट बनाएंगे जिसमें 1,40,000 के 2 पार्ट करेंगे। एक पार्ट वो मशीनरी है जो अभी अभी हमने परचेज किए और एक पार्ट हमारी ओल्ड मशीनरी है जिसकी वैल्यूएशन है 1,20,000। अब दोनों के ऊपर हमने डिप्रिशिएशन काउंट करना है, जैसे कि हमने हमारे डिप्रिशिएशन के वीडियोस में डिप्रिशिएशन की मेथड उसके कैलकुलेशन आप सबको समझाए हैं, उसको आप यहां से रिवाइज कर लेना। तो 1,20,000 के ऊपर 5% पर एनम डिप्रिशिएशन जब हम कैलकुलेट करते हैं तो वो तो होता है 6,000। और जो 20,000 की नई मशीनरी है उसके ऊपर 5% और 6 मंथ का डिप्रिशिएशन काउंट करके 500 रुपीज आता है। दोनों को मिलाकर टोटल डिप्रिशिएशन हमारा आता है 6,500। अब ये वर्किंग नोट बन गई है, अब हम एंट्री डालते हैं। तो पीएनएल अकाउंट में हम 2 डिप्रिशिएशन करके 6,500 डालेंगे और बैलेंस शीट में जो हमारी मशीनरी की अमाउंट ट्रायल बैलेंस में हमको दी गई है वो डालकर उसमें से टोटल डिप्रिशिएशन माइनस करके बाकी की जो अमाउंट आती है वो हम फाइनल कॉलम में डालते हैं। नेक्स्ट, स्टॉक ऑन 31 मार्च 2020 वॉज वैल्यूड ₹14,000। क्लोजिंग स्टॉक इंक्लूड्स गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000 वेर सोल्ड एंड रिकॉर्डेड एज सेल्स बट नॉट डिलीवर्ड टू द कस्टमर। एडजस्टमेंट एंट्रीज में हमको क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री दी गई है 14,000, जिसमें से कहा गया है कि 14,000 में से 10,000 की गुड्स ऐसी है जिसको हमने सेल कर दिया है पर उसकी डिलीवरी अभी नहीं दी है, मतलब वो जो गुड्स का स्टॉक है वो अभी हमारे यहाँ ही है जिसको हम क्लोजिंग स्टॉक से कंसिडर कर तो रहे हैं पर एक्चुअल में वो हमारा सेल है। जो गुड्स हमने अभी डिलीवरी नहीं की है मतलब अभी हमें दोबारा तो वो बेचनी नहीं है तो हम उसे स्टॉक में इंक्लूड नहीं कर सकते है, यानी कि हमें उसे स्टॉक में से लेस करना होगा। तो यहाँ पे 2 इफेक्ट आएगी ट्रेडिंग अकाउंट में और एक बैलेंस शीट में। ट्रेडिंग अकाउंट में जहाँ पर हमारा सेल्स होता है उसमें से हम क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करेंगे और फिर उसमें से भी हम गुड्स सोल्ड बट नॉट डिलीवर्ड उसको माइनस करके बाकी की जो अमाउंट आएगी वो हम सेल के तौर पर काउंट करेंगे। उसके साथ साथ बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक हम अपनी एसेट साइड दर्शाते हैं, जहां पर हमारी वैल्यू हमको दी गई है 14,000 पर इस एडजस्टमेंट के चलते हुए 14,000 में से 10,000 जो कि हमारा स्टॉक है ही नहीं तो उसको डिडक्ट करके हम बाकी की अमाउंट 4,000 ही यहां पे बैलेंस शीट में डालेंगे। नेक्स्ट, कमीशन 6,000 ट्रायल बैलेंस में दिया गया है। एडजस्टमेंट में क्या है, 80% ऑफ द कमीशन अर्न्ड वाज रिसीव्ड। वैसे तो एकर्ड कमीशन एकर्ड इनकम वाली एंट्रीज की इफेक्ट कैसे होती है वो हमने हमारे स्टार्टिंग के वीडियोस में भी समझाया था, पर यहाँ पर जो मेन बात है वो है परसेंटेज वाली जो कि हमने अपने अर्ली क्लासेस में एरिथमेटिक कैलकुलेशन में सीखा है, फिर भी यहाँ पे उसकी इफेक्ट उसका कैलकुलेशन में बताती हूँ। पीएनएल अकाउंट में हम लिखेंगे बाय कमीशन जो ट्रायल बैलेंस में था ही, उसके बाद जो भी हमारा एकर्ड कमीशन है उसको हम प्लस करेंगे और एकर्ड कमीशन क्योंकि हमारी एसेट है जो अभी हमें लेना बाकी है उसको हम बैलेंस शीट में एसेट साइड पर दर्शाएंगे। अब इसका कैलकुलेशन कैसे किया है वो समझते हैं। हमको कहा गया है 80% ऑफ द कमीशन अर्न, जो कमीशन हमने अर्न किया है वो है हमारा 6,000 जो कि 80% है। सो 80% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6,000। अब हमें जो नहीं मिला है, मिलना बाकी है वो हो गया 20%। तो अब 20% की अमाउंट हम ढूंढते हैं तो 20% ऑफ एक्स इज इक्वल टू ? अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जब हम करते हैं और इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारी अमाउंट आती है 1,500।
इसका मतलब इस ईयर में हमारा टोटल कमीशन हुआ 7500 का, जिसमें से 6000 यानी कि 80% हमको मिल गया है और 1500 यानी कि 20% अभी मिलना हमारा बाकी है, जिसकी जो भी ड्यूअल इफेक्ट से वो हमने यहाँ पर दे दी है। इसके साथ ही हमारे नेक्स्ट वीडियो में इसके जैसे ही अलग अलग तरह के टॉपिक्स लेकर, अलग अलग तरह के ट्रांजैक्शन एडजस्टमेंट एंट्रीज को लेकर कैसे उसकी इफेक्ट होती है वो हम समझाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हमने अलग अलग तरह की एडजस्टमेंट एंट्री लेकर उसके रिलेटेड कैलकुलेशन और इसकी इफेक्ट फाइनल अकाउंट्स में कैसे करते हैं वो हमने समझा। हमारे नेक्स्ट वीडियो नंबर 164 में भी हम ऐसे ही अलग अलग टॉपिक्स, अलग अलग एडजस्टमेंट एंट्रीज को लेकर आएंगे और उसके कैलकुलेशन, उसकी इफेक्ट को समझाएंगे। सबसे पहले इन सभी पॉइंट्स को, इन सभी एंट्री के रिलेटेड कैलकुलेशन को और उसकी इफेक्ट को हम समझेंगे। बाद में हम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स लेकर पूरी तरह से क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं वो समझेंगे। तब तक स्टे ट्यून्ड विद शिव एकेडमी। थैंक यू।